विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा में नजर आ सकते हैं सुनील शेट्टी। हेलो एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, आदित्य धार एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कि महाभारत के कैरेक्टर पर बेस्ड है, अश्वत्थामा, और इस फिल्म का नाम होगा द इमोर्टल अश्वत्थामा। इस फिल्म में विक्की कौशल और सारा अली खान दोनों लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस में नजर आने वाले हैं। तो वही सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया है कि सुनील शेट्टी भी इस फिल्म का पार्ट बनने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस फिल्म को काफी बड़े बजट पर बनाएंगे मेकर्स, और हाल ही ये खबर जो है ये सामने आई है कि सुनील शेट्टी को भी ऑन बोर्ड लाने की तैयारी कर रहे हैं मेकर्स। दरअसल डायरेक्टर आदित्य धार और प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने इस बात की जानकारी भी दी है और ये भी कहा है कि 2-3 मुलाकात हम करेंगे और उसके बाद में फिर सुनील शेट्टी को हम फाइनल करेंगे और फिर उनको ऑन बोर्ड लाएंगे और इस बात की अनाउंसमेंट भी करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि हाल फिलहाल में जो भी बॉलीवुड की फिल्म्स बन रही है उसमें से सबसे बड़े बजट पर फिल्माई जाएगी ये फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा। विक्की कौशल इसमें लीड एक्टर में नजर आएंगे और वो अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वही विक्की कौशल जो है इस कैरेक्टर में घुसने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, काफी जोरों शोरों से इस फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मेकर्स का दावा है कि अगस्त तक ये सारे कास्टिंग जो है वो पूरी कर देंगे। आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बॉलीवुड की तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।